बात 6 फरवरी की है। थाना नॉर्थ रोहिणी की अम्बेडकर हॉस्पिटल से एक 4 महीने का बच्चा चोरी हो गया। बच्चे का नाम था अमन। ये मामला आया इंस्पेक्टर भूपेश कुमार थाना प्रभारी के पास। उन्होंने अपनी एक टीम बनाई। इसमें हवलदार संदीप कुमार, रवि दत्त, नितिन, अमित, योगेंद्र और सोनू थे। इलाके की सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्वेलेंस की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। सूझबूझ के आधार पर ई रिक्शा की पहचान की, जिसमें मुलजिम शख्स अंबेडकर हॉस्पिटल से बच्चे को चोरी करके उस रिक्शा में बैठकर जाता दिखाई दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर भूपेश कुमार की टीम ने आसपास के करीब 600 सीसीटीवी कैमरास को देखा। सेक्टर 26 रोहिणी के पास एक फुटेज में पुलिस टीम को रिक्शा के नंबर के बारे में पता चल गया। इससे रिक्शे के मालिक रामेश्वर से पूछताछ हुई। उसने बताया कि 6 फरवरी को सुबह एक शख्स अंबेडकर हॉस्पिटल से बैठा और रोहिणी में उसने इस बच्चे को छोड़ दिया। वहां पर उस शख्स ने कॉल करके एक महिला को बुलाया था, जिसने एक छोले कुलचे वाले को पेटीएम करके कैश लिया और किराया दिया। इसके बाद पुलिस टीम ने सेक्टर 18 रोहिणी पहुंचकर जिस शख्स से उस महिला ने पेटीएम करके पैसे लिए थे उसके बारे में पता किया। ये शख्स छोले बेचने वाला बबलू था। बबलू से इस महिला के पीटीएम नंबर की जानकारी मिली। पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल निकालकर लोकेशन से सबसे पहले एक महिला रीना को गिरफ्तार किया। रीना की निशानदेही पर इस बच्चे को चुराने वाले आलोक को भी समय पर बादली से गिरफ्तार किया गया। आलोक और रीना ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 3,40,000 रुपए में इस बच्चे को एक महिला को बेचा। उसका नाम है सीमा। सीमा ने इस बच्चे को अपनी बहन शीला को बेचा था। इसके बाद पुलिस ने दोनों मुलजिमों की निशानदेही पर सीमा और शीला को भी गिरफ्तार कर लिया और शीला के घर से अमन को सुरक्षित बरामद कर लिया। इस तरह पुलिस ने अपनी सूझबूझ से चारों मुलजिमों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये था वर्तिका नंदा की आवाज में आज का किस्सा खाकी का।